सर के छत्तीसगढ़ के दौरे पर भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कार्यक्रम है ये भी हम आपको बताएं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज प्रदेश को 12,787 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। बीजेपी के चुनावी अभियान को तेज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में रेल और बिजली परियोजनाओं की सौगात देंगे। 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास होगा। पीएम मोदी 1,00,000 सिकल सेल परामर्श कार्ड का भी वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी की रैली में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना। रायगढ़ में पीएम के दौरे से बीजेपी में भारी उत्साह भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आमंत्रण पत्र भी बांटे हैं। पीएम के दौरे को लेकर रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। बीजेपी भी अपने स्तर पर इसे लेकर पूरी तरह से तैयार है। बीते दिनों से ही तैयारियों का सिलसिला हम देख रहे हैं। आज दोपहर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ पहुंचने वाले हैं। 1,00,000 कार्यकर्ताओं को जुटाने की कोशिश थी। स्थानीय स्तर पर भी तमाम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि लगातार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। विकास कार्यों का लोकार्पण की बात हो, चाहे स्थानीय लोगों से जुड़ाव की बात हो, संपर्क साधने का प्रयास लगातार अपने स्तर पर बीजेपी बखूबी निभा रही है दोनों ही प्रदेशों के लिहाज से, क्योंकि केंद्रीय नेता खुद इन दोनों ही प्रदेशों पर नजरें जमाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रियता उनकी भी तरफ से बढ़ती जा रही है। बैठकें भी ले रहे हैं, उम्मीदवारों की भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और कार्यक्रम को लेकर भी उसी तरह से सजग बीजेपी नजर आती है। तो आज छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान भी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सौगात देंगे, जो सौगात आपको हम ग्राफिक से जरिए दिखा रहे हैं। मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आप देख लीजिए, सरकारी कार्यक्रम भी है, मुख्यमंत्री भी पहुंच सकते हैं जो कि प्रोटोकॉल के तहत बताया जाता है। हालांकि ये देखने वाला विषय कि किस तरह की तस्वीरें सामने आती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में इसी तरह की स्थिति, आज का दिन दोनों ही राज्यों के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ना सिर्फ आप राजनीतिक चश्मे से अगर देखें बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ती हुई, रोजगार के साधन बढ़ेंगे, ये एक अच्छी आशा लिए प्रधानमंत्री आज पधार रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जितनी भी परियोजनाओं का लोकार्पण होना है, जितनी भी विकास कार्यों का लोकार्पण होना है, उनसे स्थानीय स्तर पर लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्रिटिकल केयर यूनिट की अगर आप बात करें, 50 बिस्तर का हॉस्पिटल वहां पर, इसका भी लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे और साथ ही साथ कई ऐसे अन्य आयोजन जिससे रोजगार के माध्यम लोगों के लिए खुलने वाले हैं, ये आशा जरूर इस कार्यक्रम के जरिए की जा रही है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। उस दौरान भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपको सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे। मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार, वहां पर अपने स्तर पर पार्टी की तरफ से तो है ही प्रयास, लेकिन शासकीय स्तर पर भी लगातार कोशिशें की जा रही थी कि इस सभा को भव्य बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अगर आप समझें तो बीजेपी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की यही कोशिश रही। बीते दिनों तमाम केंद्रीय नेताओं का दौरा भी यहां पर पड़ा, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी जायजा लिया। ओम माथुर लगातार निगरानी कर ही रहे थे। आज वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार किया जा रहा था, 14 सितंबर का दिन। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर फोकस बीजेपी बरतती हुई और दोनों ही जगहों पर ये मेगा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। तस्वीरें ये बयां करती हुई कि सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तरह से दोनों प्रदेश मुस्तैद। पहले मध्य प्रदेश का रुख करेंगे जहां वासु चौरी हमारे से लाइव जुड़े हुए हैं। वासु, लगातार हम इस ओर चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक लिहाज से इस समय कार्यक्रम होना महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं परियोजनाएं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे, उसके हिसाब से कितना महत्वपूर्ण ये दौरा होगा, क्या कुछ आज होना है, जानकारी इस पर। निश्चित तौर पर देखिए, अब इंतजार बस कुछ ही पलों का रह गया है। 10 बजे पीएम मोदी वायुसेना के विमान से भोपाल में लैंड करेंगे और भोपाल से फिर बीना के लिए प्रस्थान करेंगे। भोपाल में पहले पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा, हालांकि ये पूरा कार्यक्रम स्टेट हैंगर के अंदर ही होगा। भोपाल में पीएम मोदी लैंड करेंगे और स्टेट हैंगर से ही अगली अपनी जो फ्लाइट है वो लेंगे बीना के लिए, और करीब 1.5 घंटे बीना में वो कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और पूरा समय अगर देखा जाए तो
तीन से साढ़े तीन घंटे वो मध्य प्रदेश में व्यतीत करने वाले हैं। और इस पूरे दौरे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा जो निवेश है वो आ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर एक तो अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो नजर आएगी, लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार इससे मिलेगा, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की अगर बात करें, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है और जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी अगर बढ़ते हुए कदम को देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ा कदम होगा। और खासतौर पर बुंदेलखंड क्षेत्र, क्योंकि जो बीना शहर है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, सागर जिले में आता है, तो बुंदेलखंड के लिए एक ये बड़ी सौगात, और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास के की ओर बढ़ते कदम में एक माइलस्टोन ये साबित हो सकता है, क्योंकि जब इतनी बड़ा प्रोजेक्ट कोई आता है तो उसके आसपास एक बड़ा मार्केट जो है वो डेवलप होता है, कमर्शियल मार्केट तो होता ही है, इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, लोग सीधे तौर पर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट है उससे कहीं ना कहीं जुड़ते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का पीएम मोदी का दौरा बहुत खास है और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को लेकर और अन्य विकास की सौगातें भी पीएम मोदी देंगे। और बीना का जब पूरा कार्यक्रम पीएम का खत्म होगा तो उसके बाद एक बार फिर से वो भोपाल लौटेंगे और फिर छत्तीसगढ़ की ओर पीएम मोदी प्रस्थान करेंगे। तो ये आज का पूरा दौरा कार्यक्रम रहने वाला है और इस पूरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य भी बिल्कुल वासु जी के आप छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर रहे हैं, सीधे दर्शकों को छत्तीसगढ़ी लिए चलते हैं। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, मध्य प्रदेश में हमने कार्यक्रम समझे, वासु ने विस्तार से बताया, जैसे ही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे बीजेपी नेताओं की तरफ से अगवानी होगी, ये स्पष्ट है, आगामी कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे? जी देखिए अवंतिका, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन की तैयारी की गई है, दूर दराज से 16 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम जो आम जन हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे, भव्य स्वागत की तैयारियां हैं वो की गई है, कोड़ा तराई हेलीपैड में भव्य एक आयोजन किया गया है, पहले विभिन्न शासकीय विकास कार्यों की जो प्रदेशवासियों को सौगात देंगे और इसके बाद एक महती आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ के तमाम जो टॉप मोस्ट लीडर हैं बीजेपी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी आगमन की तैयारी हर कोई कर रहा है और हर कोई बात जो रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए आम सभा को संबोधित करेंगे। और इस बीच एक जो नई कार्यक्रम में कुछ तब्दीलियां की गई है, प्रधानमंत्री का काफिला है, आम जनता जहां से मंच से गुजरेगी वहां से प्रधानमंत्री सभी आम जनताओं के अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि 2023 विधानसभा का चुनाव है और चुनावी वर्ष है, ऐसे में ये जो अहम इसलिए भी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हम समझ रहे हैं। इस दौरे को भी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वासु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी दिवस का आज खास कार्यक्रम